दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। आज से ही ठीक 1 महीना पहले सिद्धार्थ शुक्ला हम सबको छोड़ के चले गए थे, 2 सितंबर 2021। जब हमने सिद्धार्थ शुक्ला की खबर सुनी थी, हम लिटरली शॉक हो गए थे। पैरों तले जमीन खिसक गई थी और हम सब यही सोचते थे कि काश ये खबर झूठी हो। अब आप लोगों को बता दूं तो आज के दिन बिग बॉस के घर में कुछ इस तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। बिग बॉस की अगर बात करें दोस्तों, बिग बॉस 15 की अगर बात करें तो बिग बॉस 15 के मंच पर आसिम रियाज अपने भाई उमर को छोड़ने के लिए आते हैं। उमर रियाज, आसिम रियाज, सलमान खान आपस में ढेर सारी मस्ती फन करते हैं और आसिम जो वाह 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 जो ऐसे करता था उसका सलमान खान काफ़ी ज़्यादा उपहास भी उड़ाते हैं, जो कि फ़न था, मस्ती थी, ठीक है। और आसिम भी उसको चटकारे लेकर एंजॉय कर रहा था। अब बातों ही बातों में सिद्धार्थ शुक्ला की बात की जाती है। टीआरपी किंग, टीआरपी बूस्टर सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी उनकी नॉलेज, उनका परफॉर्मेंस, वो सारे ही हमारे जहन में है। और ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो आज ही के दिन ही उन्हें याद करते हुए सलमान खान और आसिम रियाज थोड़े से भावुक भी हो जाएंगे। अब आसिम तो सिद्धार्थ के बहुत ही ज़्यादा करीब था और हमने पता है दोस्तों कि किस तरीके से आसिम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला जब चले गए थे तो ही वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। और उसने जिस तरीके से हॉस्पिटल जाके सबसे पहले या फिर मम्मी जी से बात करके सबसे पहले जो बात करी थी, वो हमारे दिल को जीत के ले जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हैं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हमेशा याद करते रहें और दिल से कभी जाने ना दें। चलता हूँ, आज के बिग बॉस प्रीमियर में मज़ा आएगा।